हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ ए सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एज वी हैव डिस्कस्ड इन यस्टरडे लेक्चर वीडियो लेक्चर द थ्योरी पार्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम. दिस इज अ केस वी हैव सिक्स जॉब्स ईच ऑफ विच मस्ट गो थ्रू टू मशीन्स ए एंड बी इन द ऑर्डर ए बी. प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स आर गिवन इन द टेबल बिलो. टाइम इज गिवन इन आवर्स एज jobs are given and time on machine A and machine B. For example, job first को A machine में कितना time लगता है, total it takes 5 hours. Second job को A machine में 9 hours and so on. इसी तरह से जब job 1 complete हो जाएगी machine A में, then it will transfer to the machine B, it takes 7 hours, second job takes 4 hours. So this is as we have discussed yesterday, in sequencing problem there are 3 type of cases. First is n job and two machine, second n job and three machine, and m job n machines. So this is first case, n job and two machines. In the sequencing problem we have to find out two things. First is optimal sequencing of jobs. इनकी sequence find out करनी है. This is not necessary 1 2 3 4 5 6. तो ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट हम करने के लिए क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे. सिक्स जॉब्स हैं, इसके सिक्स पार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट. नाउ अब हम इसमें क्या देखेंगे, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द जॉब. हेयर द मिनिमम टाइम आउट ऑफ द टोटल इज 3 एंड इट इज डन बाय द मशीन बी, राइट. दिस इज 3 आवर्स इज द मिनिमम टाइम. अगर ये जॉब मशीन ए से है देन वी विल राइट इट फ्रॉम द राइट साइड, राइट. अगर ये किससे है, ए से है, और अगर ये जॉब बी से है तो हम इसे लेफ्ट साइड से लिखेंगे. तो यहाँ पे दिस इज डन बाय द मशीन बी, द टाइम इज जॉब नंबर इज कम हेयर. तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि ये हमारा कंप्लीट हो गया, वी विल कवर इट, इसे छोड़ देंगे. नाउ अब जितने बचे हुए हैं इसको छोड़ के, उसमें से मिनिमम टाइम इज अगेन 4. 4 इज हियर 2 टाइम. पहले हम कोई सा भी रैंडमली चूज करेंगे. सपोज दिस इज 4 आर टेकन एंड दिस इज द जॉब नंबर 3, इट इज डन बाय द मशीन ए, तो इसको लाइन अप कर देंगे. दिस इज नंबर 3, इसका मतलब ये थर्ड जॉब भी कंप्लीट हो गई है. नाउ द मिनिमम टाइम इज 4, इट इज डन बाय द मशीन बी, दिस इज जॉब नंबर 2, दिस इज ऑल्सो कम्प्लीट. अब ये तीनों छोड़ देंगे. इसमें से बचे हुए में से मिनिमम टाइम क्या है, द मिनिमम टाइम इज 5, इट इज डन बाय मशीन ए 1, ये कम्प्लीट हो गया. अब ये दोनों बची 5th और 6th जॉब, इनमें से मिनिमम टाइम क्या है, 5. 5 इज डन बाय मशीन बी, अगर बी से है तो हम लेफ्ट साइड से लिखेंगे नंबर 6, नाउ ओनली 1 इज लेफ्ट, 5, राइट. तो ये हमने क्या निकाली, ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग ऑफ द जॉब. सेकेंड, आफ्टर फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल सीक्वेंसिंग ऑफ जॉब वी हैव टू फाइंड आउट हेयर टू फाइंड द मिनिमम इलेप्स्ड टाइम. इलेप्स मतलब द इंटरवल बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट जॉब एंड द लास्ट जॉब. फॉर दिस वी विल मेक अ टेबल. फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे हम जॉब, देन वी विल राइट हेयर मशीन ए, मशीन बी एंड द आइडियल टाइम ऑफ मशीन बी. दिस इज द फॉर्मेट फॉर ईच क्वेश्चन. मशीन ए, मशीन ए, इसको फिर से डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ जॉब जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करी इन द स्टेप नंबर 1. वी विल राइट हियर 3 1 5 6 2 4. ऑल राइट, नाउ वॉट इज द टाइम टेकन बाय द मशीन ए. वेन एवर वी विल स्टार्ट द जॉब द इनिशियल टाइम इज 0. थर्ड जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे टाइम ऑन मशीन ए इन द फर्स्ट रो ओनली. तो थर्ड के नीचे लिखा हुआ है 4, दिस इज 4. 1 को कंप्लीट करने में 5, तो इट विल बी प्लस 4 प्लस 5 9. इन 5th जॉब इट टेक्स टाइम 8 आवर्स, 9 प्लस 8 17. 6th जॉब को करने में टाइम लगता है 6 आवर्स, 17 प्लस 6 12.
23. टू जॉब को करने में इट टेक्स टाइम 9 आवर्स. 23 + 9 इज इक्वल टू 32. ऑल राइट, नाउ वी विल फाइंड आउट द टाइम आउट. थर्ड जॉब को करने में कितना टाइम लगता है, वी विल चेक ओनली फर्स्ट रो अगेन. 4 0 + 4 4. फर्स्ट जॉब को 5 4 + 5 9. फिफ्थ जॉब को 8 9 + 8 17. सिक्स जॉब में 6 आवर्स 17 + 6. टू में इट टेक्स 9 आवर्स 23 + 9. एंड 4 इट टेक्स 7 आवर्स 32 + 7 इज इक्वल टू 39. Now we will find the time in and out of machine B. Whatever the time out of machine A, the B ka wahi in time hoga. Then now when we do check the machine time in and out of machine V, B, we will check only the second row, machine B. In third job, machine B takes 8 hours. Then this is 8 + 4, it is equal to 12. First job it takes 7 hours, 12 plus 7, 19. Fifth job 9, 19 plus 9 is equal to 28. In sixth job it takes 5 hours, 28 plus 5 is equal to 33. In second job it takes 4 hours, 33 plus 4 is 37. But it cannot be lesser than the first job out time. Then we will write the same 39 here. Machine B out time. Now we will add the actual time what is given in front of time on machine B. So in third job it takes 8 hours, 8 plus 4, 12. First job 7, 12 plus 7, 19. Fifth job 9, 19 plus 9, 28. Sixth 5 hours, 28 plus 5 is equal to 33. 2, 4, 33 plus 4, 37 hours. Fourth job it takes 3 hours, 39 plus 3 is equal to 42. Here the total elapsed time is 42 hours. Ideal time of machine B is equal to, machine B कितने time के लिए idle free थी, first it will remain same, then we will subtract diagonally. 12 - 12 = 0 19 28 - 28 33 - 33 39 - 7 2, that is 4 + 2 = 6 hours. Ideal time of machine A is equal to total working time of machine B minus total working time of machine A. 42 - 39 = 12 - 9, that is equal to 3 hours. This is the solution. We have to find out here total working time, that is total elapsed time, and the ideal time of machine both A and B. Thank you, class.